भारतीय जनता दल ने समाहरणालय के सामने महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। राजद के जिलाध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव सतपाल यादव मौके पर मौजूद थे। सतपाल यादव के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि राजद के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज हम लोग एक दिवसीय केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। हम लोगों का मांग है कि केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी, बेरोजगारी, किसान बिल के खिलाफ यह धरना दिया गया है। हम लोगों का केंद्र सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द रोजगार और महंगाई का समाधान करे, वरना राजद चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश होगा। नाला प्रखंड सचिव हमारे कमांडर लालू यादव आदेश अनुसार हमारे सारा झारखंड मध्य जिनिस मूल्य बेड़े जाच्छे तार बिरुद्धे हमरा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते चले हर एक लिखित हमरा जामताड़ा कमांड जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी के निर्देशानुसार एवं झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के आदेश पर आज पूरे झारखंड में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। धरना देने का उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थ, किसान बिल, गैस, डीजल, पेट्रोल एवं बेरोजगारी जो है उसी के विरोध में हम लोग आज राजद जिला जामताड़ा की ओर से समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। केंद्र सरकार जब तक इस बिल को यानी किसान बिल को और बढ़ते दाम को, खाद्य पदार्थ को, गैस को, डीजल का दाम जब तक नहीं घटाएगा, वापस नहीं लेगा, तब तक राजद की ओर से यह जो चरणबद्ध जो आंदोलन चलते रहेगा। इसके बाद भी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभय सिंह का निर्देश होगा, हम लोग फिर पुनः अगर जब तक नहीं लेता वापस केंद्र सरकार, तब तक हम लोग यह आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे।